और ये अब आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा का क्या है उपचुनाव का बदला प्लान, भाजपा लेगी 2018 का बदला कैसे, इस बात को समझिए। 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हुआ था। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर की सीट खाली हुई थी। केशव मौर्य के डिप्टी सीएम बनने पर फूलपुर में उपचुनाव हुआ था। सपा ने दोनों सीटों पर जीत कर भाजपा को हरा दिया था। गोरखपुर से प्रवीण निषाद सपा के सिंबल पर जीते थे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, हालांकि अब वो बीजेपी में है। निषाद पार्टी 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ चली गई थी। फूलपुर से सपा के कौशलेंद्र सिंह पटेल जीते थे। 2018 के उपचुनाव में दोनों सीटों पर बसपा का सपा को समर्थन था। अखिलेश यादव और आजम की सीट को जीतकर बदला लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी आजमगढ़ और रामपुर को जीतकर। देखिए अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि आजमगढ़ जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सपा का मजबूत किला माना जाता है आजमगढ़ को। कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए आजमगढ़ को जीतना है, देखिए मोदी लहर में दोनों बार सपा की जीत हुई। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने, 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुने गए। 19 लाख वोटर में से 4.5 लाख यादव वोटर हैं, मुस्लिम और दलित वोटर 6 लाख के करीब हैं। 2022 में सपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी जो आजमगढ़ जिले में पड़ती है। भाजपा सिर्फ एक बार 2009 में लोकसभा का चुनाव जीती। 2009 में सांसद बने थे रमाकांत यादव, जो अब समाजवादी पार्टी में है। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आजमगढ़ सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, आजमगढ़ संसदीय सीट में। उन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, सवाल सबके मन में है कि रामपुर में कौन जीतेगा, ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं। आजम खान अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम अखिलेश में कोई मुलाकात नहीं हुई है। आजम खान के सहारे ही रामपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत है, इस बात में कोई शक और शुभा नहीं है। 2004 और 2009 में सपा की जयप्रदा यहां पर जीती थी। 2014 में मोदी लहर में भाजपा की जीत हुई थी, नेपाल सिंह यहां से सांसद बने थे। 2019 में आजम खान ने भाजपा की जयप्रदा को हरा दिया। अब कौन प्रत्याशी होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आजम अखिलेश में बात बनी तो तंजीन फातिमा प्रत्याशी हो सकती हैं। इस बार तंजीन फातिमा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, तो ये रामपुर की स्थिति बन रही है जिसको लेकर लगातार सवाल है।